हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मेरी क्यूट से फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप लोग होप करती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अपने घरों में। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जो आप लोग टाइम देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो मेरी है सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:45 बजे की, और मतलब 15 मिनट थे 5 बजने में मॉर्निंग में। ये तब के आप लोग क्लिप देख रहे हो, और हम लोग नहा धोकर बिल्कुल फ्री हो गए थे 4 बजे अराउंड, क्योंकि 3:15 पे हम लोग नहाने गए थे और आए थे 4 बजे करीब। नहा धोकर रेडी हो गए थे बिल्कुल, और दर्शन करने आए थे हम लोग फिर 5 बजे के अराउंड। 5 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए थे दर्शन वाली में, जो कि आप लोग आगे देखोगे। और आप लोग ना मेरी वीडियो ऐसे ही कुछ करके देखोगे, क्योंकि मेरी वीडियो कोई बनाता नहीं है और हस्बैंड को बनाने नहीं आती है, उन्हें शर्म आती है। वो खुद साथ ही साथ तो मुझे भी मना करते हैं कि बार बार वीडियो बनाती रहती हो, वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे तक अपने हस्बैंड को और लोगों को जो मुझे बोलते हैं ना ब्ला ब्ला करके, मैं उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में ये वीडियो बनाकर, है ना। तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लिया करो, और फैमिली रिलेटिव्स के साथ अपना वीडियो ज़रूर ज़रूर मेरा शेयर किया करो। तो यहाँ पर हम लोग इतनी, तो सच में हम लोग सोचे थे कि मॉर्निंग में भीड़ नहीं होगी, लेकिन बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोगों ने रोड पे रश देखा ही होगा अभी आगे, और आगे देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने हर साल की तरह, हमेशा की तरह, हर महीने की तरह यहीं से प्रसाद लिया, क्योंकि हमारी ये फिक्स दुकान हो गई है। मैं इसी दुकान से हमेशा प्रसाद लेती हूँ, और आप लोग अगर खाटू श्याम जी जाते हो तो प्लीज़ एक बार इनसे प्रसाद लेकर ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, कहीं आप लोग सोचो मैं प्रचार कर रही हूँ या फिर कुछ भी, मैं कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रही हूँ। मेरे को क्योंकि जो चीज़ पसंद आती है तो वही मैं आप लोगों को रिकमेंडमेंट करती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी बेटी की नींद भी नहीं पूरी हो पाई थी, तो उसे नींद भी आ रही थी। वो शुक्र मानो कि उसने दर्शन कर लिए थे, लेकिन लेजी बहुत ज़्यादा फील कर रही थी वो, इसीलिए बार बार नींद वाला कर रही थी, और आप लोग समझ ही सकते हो, है ना। और जो इसने कपड़े पहने हुए हैं वो मेरी बहन ने दिए थे, मतलब मेरी मामी की बेटी ने, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो मैंने इसको दोबारा चेंज कर दिए थे कपड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बड़े भी हैं और फिर गंदे हो जाएं, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहे थे, तो मैंने उतार के इसको दूसरे कपड़े पहना दिए, जो कि आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और सच में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बस वहाँ की ना मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती, मैं इतने दिनों से नहीं बोल रही थी लेकिन आज ज़रूर बोलूँगी, कि मुझे बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं अपने बाबा जी से बहुत अच्छे से मिल लेती हूँ, और तो और बस ये है ना कि जो पुलिस जो वहाँ पे गार्ड होते हैं ना, वो पब्लिक को दर्शन नहीं करने देते। भगवत आते अपने बाबा से मिलने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, तो उनको 2 मिनट का वक्त तो देना ही चाहिए उन लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, भागो भागो, मतलब लाइन ना चलती चलती में से ही भगाते हैं, वो बिल्कुल भी दर्शन नहीं करने देते हैं। लेकिन बट मैं बहुत अच्छे से दर्शन करती हूँ, कि फिर मुझे कुछ भी कहते रहे, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं कि मेरे भगतों से कोई मुझे दूर ना करे। आप लोगों को जैसे पता भी होगा, और लोगों को नहीं भी पता है तो मैं ही बता देती हूँ उन्हें, जितना मुझे पता है अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं बता देती हूँ। 2 बार जो शीशे लगे हुए थे बाबा के आगे कांच के, वो इन लोगों ने ही लगवाए थे अपने, अब वो मुझे नहीं पता किस दिमाग से लगवाए थे, लेकिन बट बाबा जी की इच्छा नहीं थी तभी वो 2 बार शीशे अपने आप टूट कर गिर गए। तो भाई मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी भगत आता है ना, कोई भी दर्शन करने आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें 2 मिनट का तो समय दे ही दो, क्योंकि उन्हें भी वो बहुत दूर दूर से आते हैं अपने बाबा से अपने दिल की बात कहने, अपने दर्शन करने, अपने भाव को कहने। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें दर्शन करने देना। और आप लोगों को प्लीज़ मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताना, और लाइक तो ज़रूर कर देना इस बात के लिए। बाकी मेरे मन में जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और मेरे बाबा के बीच से तो मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन करें, दर्शन करने के बाद इतनी भीड़ में से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, मैगी चाय ब्रेड समोसा ये सब खाया, फिर हम लोग निकल गए सालासर बालाजी के लिए। तो हम लोगों ने वेट किया था बहुत देर, क्योंकि हमारे साथ जो और लोग गए हुए थे, मतलब हम बस से गए थे ना, तो जो बस के और लोग थे
वो लोग नहीं आए थे दर्शन कर करके, तो उन लोगों का हमने वेट किया 1-1.5 घंटा। बहुत जल्दी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे हुए। हम सब मानोगे आप लोग, 4:45 बजे तो हम लोग निकल के आ गए थे, 5:30 बजे अराउंड निकल के आ गए थे, इतने अच्छे दर्शन से। लेकिन रश की मत पूछो, अगर रश नहीं होता तो 2 मिनट नहीं लगते दर्शन करने में। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया, फिर हम लोग निकल गए। अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया पापा, अभी कोई नहीं आया। फाइनली हम लोग पहुंच गए सालासर बालाजी। और यहाँ पर ना मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि हस्बैंड को वॉशरूम जाना था, इसी वजह से तो मैं बाहर बैठ गई जहाँ पे हमारा खाना होता है ना, तो मैं वहीं बैठी हुई हूँ। और फिर निकल गए हम लोग दर्शन करने के लिए। और धूप यहाँ पर आप लोग मानोगे नहीं, 10 बजे इतनी तेज़ धूप थी, 9:30 बजे अराउंड इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि आप लोग पूछो ही मत। और आप लोगों को वीडियो में तो पता चल ही रहा होगा, सच में बहुत तेज़ धूप थी कि बस आप लोगों में बता नहीं सकती है कितनी तेज़ धूप थी। 9:30 बजे मैं तो यही सोच रही थी, हस्बैंड से बार बार यही कह रही थी कि 9:30 बजे इतनी धूप है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। दिल्ली में ही जब 45 चला जा रहा है, लेकिन वो तो राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और फिर हम लोगों ने बालाजी के दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए मेरे। और थैंक यू सो मच बाबा जी इतने सालों बाद बुलाने के लिए। जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी, 4 महीने की थी, सॉरी 4.5 महीने की थी तब गई थी वो, और अब गई है। इतने अच्छे भाग्य है मेरे कि मेरी बेटी के राज में मैं सालासी जी के दर्शन करके आ गई, सालासर बालाजी के। और बहुत बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ, हर दर्शन करना चाहती हूँ, हर भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, हर दर पे जाना चाहती हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है ऐसी। और बाकी मुझे अभी नहीं पता कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ और क्या नहीं, तो उसके लिए अगर मैं गलती कुछ कर दूँ तो प्लीज़ उसे माफ़ी भी कर देना। और हाँ, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है इतनी वीडियो में, इतनी धूप में भी वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। और सच में कि मौका ही नहीं मिल रहा था कि कैसे क्या करें और कैसे क्या नहीं करें। जैसे ही वहाँ दरी वगैरह दिख रही थी तो वहाँ चल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सालासर बालाजी के दर्शन करने, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा। बाकी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, फिर हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने। मैंने ना अंदर की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और फिर मेरी बेटी भी परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इंजॉय करना, और आप लोगों ने दर्शन कर भी लिए होंगे। थोड़ी सी क्लिप मैंने बालाजी की बनाई थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। और मेरी बेटी को वहाँ से बालाजी के वहाँ से माला भी मिली थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर हम लोग बाहर आ गए थे तो हम लोगों ने पिया नींबू पानी, सोडे वाला जो होता है ना वहाँ पर मिलता है, वो वाला पानी पिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। गर्मी इतनी हो रही थी कि ये भी ना बर्फ़ वगैरह वाला था, लेकिन इसमें भी पता नहीं चल रहा था कि ये ठंडा है भी या नहीं। फाइनली हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरी बेटी खेलने में लग रही थी, जहाँ पर होटल में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था वहाँ पर खेल रही थी ये, क्योंकि थक गई थी ये भी बैठे बैठे बस में, है ना। और आप लोगों को होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को शेयर ज़रूर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल पे अगर नया आते तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर लिया करो। और यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो चलो फिर मिलते हैं किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी।